हाँ दोस्तों, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली यस बैंक के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोगों को पता है क्या न्यूज़ आ रहा है, कैसा कैसा इसमें फंड रेजिंग से लेके न्यूज़ चल रहा है। जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा था करीबन 8,000 करोड़ का, तो उसके ऊपर अभी अमल नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या न्यूज़ आया है वो आप लोगों को मैं मार्केट के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का जो परफॉर्मेंस रहा है, अगर मैं बात करूँ यस बैंक का, तो आप देख सकते हो किस लेवल पे यस बैंक का परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पर यस बैंक का जो स्टॉक है वो आप लोगों को ओपन करके बता देता हूँ कि यस बैंक का स्टॉक किस प्रकार से रहा है आज के दिन मार्केट में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज के दिन यस बैंक का परफॉर्मेंस दोस्तों, कि कितना गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देख लीजिए, 50 रुपये पर आ चुका है। जो सपोर्ट लेवल 60 रुपये का था वो टूटा, इसका 50 रुपये का भी टूट चुका है। यहाँ पर आप प्रीवियस क्लोज ओपन देख सकते हो, हाई और लो प्राइस भी देख सकते हो, करीबन 11 से 12% की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर की बात करूँ तो करीबन 34 करोड़ का यहाँ पर आप देख सकते हो, 34.5 करोड़ का यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम था। नंबर ऑफ लैक में देख लीजिए, करीबन 1,82,00,000 का था। 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो भी चेक कर सकते हो क्या रह रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रेड क्वांटिटी की बात करूँ तो देख लीजिए कितनी डिलीवरी ली गई है, करीबन 5.5 करोड़ के समथिंग की डिलीवरी क्वान्टिटी ली गई है दोस्तों। अब मैं इसका आज के चार्ट पैटर्न पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। आज का जो इंट्राडे मार्केट का चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो यस बैंक का सिंबल ओपन है। यहाँ इंट्राडे मार्केट का चार्ट देख सकते हो कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, 5 दिन से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे ही सपोर्ट लेवल यहाँ पर ख़त्म हुआ, वो सपोर्ट लेवल भी टूटा, ठीक है। और जो सबसे अपने देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने भी अब इसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। जो उनकी वाइफ थी वो इसमें इन्वेस्ट कर रही थी, उन्होंने भी अब इसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मैंने मेरे जो भी पहले वाले वीडियो थे उसमें भी आप लोगों को सजेस्ट किया था दोस्तों कि अभी इससे दूरी बनाए रखें, अगर जब तक ये आप लोगों को 100 रुपये के प्राइस पे नहीं मिलता जब तक आप लोग अभी इसमें बाइंग नहीं बनाए नहीं, ठीक है। तो आपको जो आज का न्यूज़ है वो आपको लेके चलता हूँ आज के न्यूज़ पैटर्न पर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज की जो न्यूज़ है वो एरविन सी ब्राइज, जो कनाडे के जो राइसी में ही निवेशक है, उनके पास ना तो कोई हेडक्वार्टर और ना कोई बैंकर है कि जो उनका फंड है वो संभाल सके, ना कोई बैंकर है, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हो 1.2 अरब डॉलर का फंड लगाना चाहते थे, वो मतलब जो इनके पास जो पैसा है दोस्तों उसका कोई डाटा नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। जो इनके पिताजी थे दोस्तों वो एक लकड़ी का काम करते थे, मतलब लकड़ी का धंधा करते थे, जिसमें ये इतने बड़े, अगर मैं बात करूं कनाडा के सबसे अरबपति में आते हैं। आप बहुत कम नाम सुना गया, पहले भी मैंने जो मेरा वीडियो आया था दोस्तों उसमें आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर ये सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें अगर मैं बात करूं, मीटिंग के मुताबिक अब जब भी हम मतलब जब हम अरविंद सिंह के इंटरव्यू और कोर्ट के केस को देखते हैं तो तस्वीर इतनी रंगीन नज़र नहीं आती। मतलब ब्राइज के पिता कैनेडियन के धंधे में अगर मैं बात करूं तो अरविंद सी ब्राइज का पिछला जो रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलेगा कि उन पर बैंकरशिप और मुकदमा दर्ज है। मतलब बैंकरशिप का जो मुकदमा होता है, मतलब बहुत सारे फंड को लेकर कितना फंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों पूरा पढ़ सकते हो कितना लिखा है। अब इसके ऊपर अमल करेंगी दोस्तों जो बैंकर, मतलब जो यस बैंक के जो बोर्ड मीटिंग चल रही है, अभी चल भी रही है। अब अगर मैं यहाँ पर सेकंड न्यूज़ के अकॉर्डिंग लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ब्राइज से 1.2 अरब डॉलर की फंडिंग लेनी है या नहीं लेनी, यस बैंक के बोर्ड में फैसला टला। तो आप देख सकते हो ये न्यूज़ आ गई, मतलब इनसे फैसला टल चुका है। मतलब ये मीटिंग के जो न्यूज़ है वो करीबन आप देख सकते हो यहाँ पर किस टाइम पे आई है, 10 दिसंबर पे यहाँ पर करीबन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो 7:41 की दोस्तों न्यूज़ है। और अभी समय हो रहा है 7:50, मतलब 9 मिनट पहले की यहाँ पर न्यूज़ है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो कि आज का जो कारोबार हुआ यस बैंक का, उसमें भी कितना गिरावट देखने को मिला। तो मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी ऑप्शन चेंज के अकॉर्डिंग भी बता दिया था कि इसमें डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल सकती है। आप लोगों को कोई भी मतलब दमदार इसमें नहीं है तो आप देख सकते हो उसका तो हटा दिया है। यहाँ से करीबन 2 अरब डॉलर की जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फंड रेजिंग, मतलब करीबन इसको अगर अपने इंडियन करेंसी की मैं बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करीबन 14,000 करोड़ रुपए का फंड हो रहा था दोस्तों। तो उन्होंने लेने की मना बोल दिया है, अपने जो देश के इन्वेस्टर है
उन्होंने उनको मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी मिल सकता है कि कितना कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि RBL ने इनको पहले ही मना बोल दिया था। जो अरविंद जी बाइज थे उनको, जो एरवाइन जी बाइज थे उनको यहाँ पर पहले ही मना कर दिया था कि किस उनको मात्र 10% की ही हिस्सेदारी मिल पाएगी, लेकिन अब RBL बैंक ने पहले ही मना कर दिया कि कोई भी मतलब विदेशी जो इन्वेस्टर रहेगा वो अपने इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हो अभी इसका जो टारगेट अगर मैं बात करूँ तो कल की डेट में आप लोगों को 40 रुपये पर मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जिनका भी यहाँ पर एवरेजिंग मिल रहा था वो एवरेजिंग ख़त्म होने पर आ गया है। इससे अच्छा है कि अभी भी टाइम है, आप लोग इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। ये छोटे से वीडियो में मेरा बताने का यही मकसद था कि आप लोगों को सही ढंग से समझाऊं और जो न्यूज़ आ रहा है उससे अवेयर करूं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पूरा कम्प्लीटली मैंने बताया, पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हो, इसके लिए मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप खुद भी पढ़ सकते हो जाके, जो मोटी मोटी चीज़ थी वो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बता दिया कि क्या क्या मतलब इसमें हो सकता है, और जो टारगेट आने वाला है वो एकदम लोअर कैटेगरी का, मतलब ये 40 रुपये का जैसे इसने लेवल तोड़ा तो ये आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ 20 से 25 रुपये पर मिल सकता है। अगर शानदार न्यूज़ आती है आने वालों दिनों में तो आप लोगों को पता है कि अगर इसमें और कहीं से फंड रेजिंग होती है तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये 100 रुपये पर मिलता है तो ही डेफिनेटली इसको यहाँ से बाय करिए, तो ही आप लोगों को ये आने वाले दिनों में 120 से 130 रुपए के समथिंग मिल सकता है 100 रुपए के हम, तो आपकी एवरेजिंग जो है वो मिल भी सकती है, या आप चाहो तो अभी इन्वेस्टमेंट निकाल के प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा दोस्तों, लॉस बुक करके आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा जो ओपिनियन है, जो राय है, वो तो आप लोग अमल कर सकते हो दोस्तों, या नहीं भी करके चल सकते हो, ये आपके ऊपर ही आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मेरा जो बताने का मकसद था वो मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि किसी ने अगर यस बैंक होल्ड कराया तो उनको पता चले दोस्तों, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे मार्केट टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।